हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड मूवमेंट, इसकी दो वीडियो होगी। पहली वीडियो में हम दो तरीके से हम बैकग्राउंड मूव करेंगे। पहली वीडियो में हम एक बैकग्राउंड्स को स्प्राइट के जरिए मूव करेंगे, और जो उसका दूसरा पार्ट होगा वीडियो का, उसको हम बैकग्राउंड को क्वाड के जरिए मूव करेंगे। बेसिकली हमने क्या होता है गेम में, जब हम गेम में हमारा एक प्लेयर होता है, जैसे ये हमारा एक प्लेयर है, तो पीछे बैकग्राउंड चल रही होती है, वो जा रहा होता है आगे और बैकग्राउंड आ रही होती है। तो गेम में दो सिनेरियो होते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड मूव कराने के। एक तो ये होता है कि एक बैकग्राउंड, जैसे ही प्लेयर थोड़ा आ गया है, दूसरी बैकग्राउंड इंस्टेंशिएट कर दो, फिर तीसरी बैकग्राउंड इंस्टेंशिएट कर दो, फिर चौथी बैकग्राउंड इंस्टेंशिएट। जिस तरह प्लेयर आगे जाता जाएगा तो हम बैकग्राउंड को इंस्टेंशिएट करते जाएंगे। एक तो ये तरीका है बैकग्राउंड मूव कराने का। दूसरा तरीका ये होता है कि हम बैकग्राउंड को यहाँ वहीं रहने देते हैं और प्लेयर को भी वही रहने देते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह जो भी प्लेयर के पास, वो चल के खुद आते हैं। जैसे ट्री भी हो सकता है या कोई एनिमी भी हो सकता है, वो खुद ही प्लेयर के पास आ रहा होता है, और ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिक लूप करके रिपीट कर रही होती है। जैसे हम पुराने ज़माने की मूवीज़ में देखते थे कि कोई बैकग्राउंड, एक जहाँ प्लेयर बाइक के ऊपर बैठा हुआ और पीछे बैकग्राउंड मूव करती जा रही है। तो इस तरह दो तरीके बैकग्राउंड मूव कराने के। तो अभी जो इस वीडियो का ये वाला पार्ट है, उसमें हम इस तरह बैकग्राउंड मूव कराना सीखेंगे कि हम स्प्राइट के जरिए कैसे बैकग्राउंड को आगे इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले हमारा जो आज का ये टॉपिक होगा उसमें क्या, ये बैकग्राउंड होगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसके आगे एक और बैकग्राउंड इंस्टेंशिएट होने लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड लगाते हैं हम। बैकग्राउंड लगाने का सबसे आसान तरीका हमें पता है, एक कोई स्प्राइट स्प्राइट ले ले। मेरे पास ये बैकग्राउंड एक स्प्राइट है। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं ड्रैग कर दूंगा अपने सीन के अंदर और ये मेरी बैकग्राउंड लग जाएगी। इसको मेरे ख्याल से कैमरे से पीछे कर देता हूँ ताकि नज़र आए। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड है, इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ पहले बैकग्राउंड को। ठीक है, ये मेरी एक बैकग्राउंड है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बने, तो मुझे इसको इसको मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए इसका मतलब मुझे प्रीफैब चाहिए, ताकि आगे वाली बैकग्राउंड इंस्टेंशिएट यही वाली होती है। तो इसको प्रीफैब बना लूँगा, लेकिन मैंने इसका एक टैग दे दूंगा बैकग्राउंड का। ठीक है, ये मैंने पहले बनाया हुआ यहाँ टैग। इसको मैं टैग क्यों दूंगा ये मैं अभी आगे जाके बताता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या बनाया, स्प्राइट रेंडर का एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया, इसको बैकग्राउंड का टैग देके इसको मैं प्रीफैब बना देता हूँ बैकग्राउंड का। ठीक है ना, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ बैकग्राउंड प्रीफैब। ठीक है, अच्छा ये तो मेरी बैकग्राउंड बनी हुई है। अब मैं एक कैमरे के ऊपर अपने स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ, सैम्पल स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये सैम्पल स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये वही बैकग्राउंड को इंस्टेंशिएट करता जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, मैं पहले पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट करके ले लेता हूँ बैकग्राउंड प्रीफैब। ठीक है, तो एक फंक्शन मान लेते हैं हम, वॉइड क्रिएट बैकग्राउंड। ठीक है, इंस्टेंशिएट करते हैं बैकग्राउंड प्रीफैब को। ठीक है, अभी के लिए मैं उसको 00 में कर रहा हूँ इंस्टेंशिएट, और इसका जो बैकग्राउंड प्रीफैब है उसकी वही रहने दे रोटेशन। ठीक है, अगर मैं क्रिएट बैकग्राउंड का ये फंक्शन कॉल करता हूँ तो हम देखते हैं क्या होता है। मैं सबसे पहले इसको अपना बैकग्राउंड का प्रीफैब दे देता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड प्रीफैब मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, अच्छा अब जब मैं प्ले करूँगा तो मेरा जो, जब भी मैं क्रिएट प्रीफैब कॉल करूँगा तो वो हमेशा यहीं बैकग्राउंड क्रिएट करेगा, जबकि उसको चाहिए अपने इधर आने चाहिए बैकग्राउंड को क्रिएट होना, आगे उसके बने ना बैकग्राउंड। ठीक है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये होगा हमारी जितनी भी बैकग्राउंड्स हो, जो अगली बैकग्राउंड है वो इधर आनी चाहिए लास्ट वाले के आगे। अगर तीन बैकग्राउंड्स है हमारे पास, ये अगर तीन है तो जो अगली बैकग्राउंड है वो इधर आनी चाहिए, या अगर एक बैकग्राउंड है तो इधर आनी चाहिए, लास्ट वाले के बाद आगे आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब मुझे सबसे पहले लास्ट वाला बैकग्राउंड फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको फाइंड करने का तरीका इसलिए मैंने है, हम टैग से फाइंड करें, इसलिए मैंने इन सबको बैकग्राउंड का टैग दिया हुआ था स्टार्टिंग में, अब जब मैं प्रीफैब बना रहा था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, गेम ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लूँगा, बैकग्राउंड नाम के जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फाइंड करूँगा, और लास्ट वाला गेम ऑब्जेक्ट मैं पकड़ लूँगा। ठीक है, तो अब मैं ये कर सकता हूँ, गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स विद टैग बैकग्राउंड। ठीक है, इसको मैं गेम ऑब्जेक्ट
अरे मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड की, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने सारी इसमें क्या हुआ, मुझसे सारी ये बैकग्राउंड फाइंड हो जाएगी, लेकिन मेरा कंसर्न कौन सा है, मैंने लास्ट बैकग्राउंड पकड़ ली, क्योंकि मेरी जो अगली बैकग्राउंड इंस्टेंशिएट होगी वो उसके आगे आनी चाहिए। तो अच्छा तो इसका मतलब मुझे अब लास्ट बैकग्राउंड पकड़नी है, तो उसको उसका तरीका क्या, जो बैकग्राउंड जितनी फाइंड हुई है उसका लेंथ -1। इससे अगर मेरी बैकग्राउंड ये जैसे 2 है, तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, 2 -1 करूँगा तो 1 इंडेक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली बैकग्राउंड वो पकड़ लेगा अपने, ठीक है। तो अब मैं इसको, ये मैंने गेम लास्ट बैकग्राउंड पकड़ी, इसको मैं गेम ऑब्जेक्ट देता हूँ, इसको एक गेम ऑब्जेक्ट लास्ट बैकग्राउंड के नाम से के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं ये कर सकता हूँ, इसकी जो पोजीशन है इसको मैं एक वेक्टर 3 के पोजीशन में स्टोर करा देता हूँ, पोजीशन के वेक्टर में स्टोर करा देता हूँ। लास्ट बैकग्राउंड की जो पोजीशन है उसको मैं उसके अंदर स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। और जो यहाँ मैं अपनी वेक्टर 3 की पोजीशन दे रहा हूँ वो उसको पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। जो लास्ट बैकग्राउंड की पोजीशन होगी वो वाली बैकग्राउंड की पोजीशन हो जाएगी। अच्छा मैं प्ले करता हूँ, जो नई बैकग्राउंड है वो लास्ट बैकग्राउंड के ऊपर ही वो आ गई है। अभी के लिए लास्ट बैकग्राउंड हमारी कौन सी, ये वाली है। तो जो नई बैकग्राउंड भी अगर आई है ना वो इसके ऊपर ही आ गई है, क्योंकि हम लास्ट उसको बैकग्राउंड को लास्ट बैकग्राउंड की पोजीशन दी हुई थी। तो अभी क्या हो रहा है, जो नई बैकग्राउंड बन रही है वो अपने लास्ट बैकग्राउंड के ऊपर ही आ जाती है, ठीक है। तो हमारा अब क्या करना है हमने, कि वो उसके आगे आ जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम छोटा सा कर लेते हैं, वो फॉर्मूला ये है कि जो नई बैकग्राउंड का एक्स एक्सिस होगा ना, जो न्यू बैकग्राउंड का एक्स एक्सिस, जो ये न्यू बैकग्राउंड का एक्स एक्सिस है उसको हमने छेड़ना है। तो उसके जो न्यू बैकग्राउंड का एक्स एक्सिस है उसमें प्लस एडिशन प्लस करके उसमें उसमें हमने प्लस करना है जो लास्ट बैकग्राउंड का साइज है डॉट एक्स, ठीक है, जो स्प्राइट का साइज है, मल्टीप्लाई बाय लोकल स्केल ऑफ एक्स लास्ट बैकग्राउंड का, ठीक है। ये लास्ट बैकग्राउंड का साइज ऑफ एक्स और लोकल स्केल ऑफ एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना बैकग्राउंड के न्यू एक्सिस में, ठीक है। तो अभी हमने ये थोड़ा फॉर्मूला यहाँ लिखा है मैंने, अभी यहाँ करके दिखाऊंगा तो सही तरह पता चलेगा। ये पोजीशन जो जो पोजीशन है, जो नई पोजीशन होगी, इसको मैं न्यू पोजीशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है, जो हम नए गेम ऑब्जेक्ट को पोजीशन देंगे, ठीक है। ये न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन के अंदर हमने लास्ट बैकग्राउंड रख ली, ठीक है। अब उसके एक्स एक्सिस में क्या प्लस करना है, सबसे पहले स्प्राइट का साइज कट करना है, स्प्राइट साइज ऑफ लास्ट बैकग्राउंड, ठीक है। तो स्प्राइट लास्ट बैकग्राउंड का साइज कट करना है, तो उसका क्या कंपोनेंट कट करना पड़ेगा, स्प्राइट रेंडर का। अगर मैंने इस बैकग्राउंड का साइज गेट करना है स्प्राइट रेंडर का, तो मुझे स्प्राइट रेंडर के कंपोनेंट गेट करना पड़ेगा, डॉट गेट कंपोनेंट स्प्राइट रेंडर डॉट साइज, जो हमें एक्स एक्सिस का साइज चाहिए, ठीक है। ये फ्लोट में वैल्यू देता है, तो स्प्राइट एक्स साइज के नाम से वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। ये एक ये चाहिए, और हमें लोकल स्केल चाहिए लास्ट बैकग्राउंड का एक्स का, लोकल स्केल एक्स या स्केल एक्स कर लेते हैं, स्केल एक्स लास्ट बैकग्राउंड डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट डॉट लोकल स्केल डॉट एक्स, ठीक है। इन ये हमें जो लास्ट बैकग्राउंड है उसका स्केल ला देगा, लास्ट बैकग्राउंड स्केल एक्स, ठीक है। तो अब जो हमारी न्यू पोजीशन होगी डॉट एक्स, उसमें न्यू पोजीशन डॉट एक्स प्लस, ठीक है। अब क्या हमने फॉर्मूले के हिसाब से करना है, लास्ट बैकग्राउंड का साइज मल्टीप्लाई बाय लास्ट बैकग्राउंड का लोकल स्केल, ठीक है। तो लास्ट का जो हमने स्प्राइट एक्स के स्प्राइट एक्स साइज के अंदर लास्ट बैकग्राउंड का साइज एक्स ही पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय स्केल एक्स, जो लास्ट बैकग्राउंड के स्केल एक्स का पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो न्यू पोजीशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी एक्स एक्सिस में। अगर अब मैं कॉल चलाता हूँ अपना फंक्शन, तो इसके क्या अब होता देखते थे इसके साथ,
ठीक है, ये बंद हो गया। तो वो जो नई बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक उसके आगे आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं ये क्रिएट बैकग्राउंड वाला फंक्शन है, इसको मैं दोबारा कॉल करता जाऊँ, 3 दफ़ा अगर मैं कॉल करता हूँ तो क्या होगा? ये बैकग्राउंड थी, जब मैं क्रिएट बैकग्राउंड वाला फंक्शन कॉल करूंगा, ये लास्ट बैकग्राउंड होगी, तो अगली बैकग्राउंड इसके यहाँ आ जाएगी। अब मैं दोबारा क्रिएट बैकग्राउंड वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, तो अब लास्ट बैकग्राउंड ये, तो वो इसके आगे आज कॉल हो जाएगी। और जब अगर तीसरी दफ़ा दोबारा कॉल करूंगा तो लास्ट बैकग्राउंड इसके आगे आ जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस में बैकग्राउंड बन जाएगी। अब ये अगर मैं इसको प्ले करके दिखाता, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली सारी सीक्वेंस में बैकग्राउंड आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं चाहे इन्वोक के अंदर भी अब चला सकता हूँ ये फंक्शन को, क्रिएट बैकग्राउंड को। ये मेरा इन्वोक का इन्वोक रिपीटिंग लगा देते इसके ऊपर, क्रिएट बैकग्राउंड, ठीक है। हर 2-2 सेकंड बाद नई बैकग्राउंड बनती जाए, ठीक है, या एक एक सेकंड बाद, 2-2 सेकंड कर लेते हैं, एक एक सेकंड कर लेते हैं। और अब प्ले करके देखते हैं। एक सेकंड के वेट के बाद नई नई बैकग्राउंड बनती जाएगी। इसी तरह गेम में आगे बैकग्राउंड बनती रहती है। तो अब हमारा क्या होता है कि हमारे प्लेयर को चलाना पड़ता है, ठीक है। तो प्लेयर को हम ओके, अगर मैं इसको कोरूटीन के अंदर कॉल कर लेता हूँ, एक एक सेकंड बाद ये बैकग्राउंड नई नई बनती जाएगी। तो हमने देखा था कि ये आगे बैकग्राउंड ऑटोमेटिक बन रही थी। तो अब अगर हमने आगे जा मूव करना है, तो उसके लिए हमारा कैमरे जो प्लेयर है उसको आगे मूव करना चाहिए। तो मैं इधर कैमरे को मूव करा के देख लेते हैं हम, ठीक है। ये बैकग्राउंड स्क्रिप्ट के अंदर जो अपडेट के अंदर मैं ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट फैक्टर 3 डॉट राइट मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, जो मेरा दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट है वो ये इसी में जो कैमरा है वही है। तो अगर मैं प्ले करता हूँ इसको, तो अब हमारा जो कैमरा भी है वो भी आगे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह हमारा प्लेयर भी कैमरा भी आगे बढ़ता जा रहा है, उसको नई नई बैकग्राउंड शो होती जा रही है। तो इस तरह हम रिदम में दूसरी बैकग्राउंड्स ऐड कर सकते हैं। अब वो आप में कि कौन सी बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं। इन केस अगर ये बैकग्राउंड एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, अगर आपने वाई एक्सिस की तरफ ऊपर से नीचे लेके आनी है, तो सिंपली आप क्या चेंज करेंगे, ये वाली इसकी जो स्प्राइट पोजीशन साइज एक्स का वाई, लेकिन जो भी एक्स एक्सिस में हो रहा है लोकल स्केल या स्प्राइट का एक्स साइज एक्स, इन सबको वाई में आप कन्वर्ट कर देंगे। ये वाला कोड ड्राइव में भी शेयर हुआ हुआ है इसके नाम से, मूव बैकग्राउंड के नाम से। आप वहाँ से भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं। और इसको सिंपली जो बैकग्राउंड मूव करने का एक ये तरीका है, जो इसका सेकेंड पार्ट है वीडियो का, वो हम कवर करेंगे कि क्वाड के ज़रिए हम बैकग्राउंड किस तरह मूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।